जब आप बाइक चला रहे होते हैं और आपको बाइक रोकनी होती है या फिर उसकी स्पीड कम करनी होती है, तो कुछ लोग पहले क्लच दबाते हैं और कुछ लोग पहले दबाते हैं ब्रेक। तो अब सवाल ये आता है कि बाइक को रोकने के लिए या इसकी स्पीड कम करने के लिए पहले क्लच दबाना चाहिए या फिर ब्रेक दबाना चाहिए। हमेशा की तरह कुछ गजब की चीजें सिखाएंगे आपको, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहले क्लच दबाना है या ब्रेक दबाना है या दोनों ही साथ दबाने हैं, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप बाइक कहाँ चला रहे हैं, कितनी स्पीड में चला रहे हैं और कितनी जल्दी बाइक को रोकना चाहते हैं। जब आप ट्रैफिक में रुक रुक कर बाइक चला रहे होते हैं तो पहले आपको क्लच दबाना चाहिए, उसके जस्ट बाद ब्रेक। अगर आप हाईवे पर तेज स्पीड में चल रहे होते हैं और आप सिर्फ बाइक की स्पीड कम करना चाहते हैं या बाइक को धीमे धीमे रोकना चाहते हैं, तो आपको पहले ब्रेक दबाना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि बाइक चलाते हुए आपके सामने कोई आ जाता है, और ऐसा ट्रैफिक में या हाईवे पर कहीं भी हो सकता है, तो ऐसे टाइम पर बाइक में इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी होती है और इसके लिए आपको क्लच और ब्रेक दोनों ही एक साथ दबाने चाहिए।